सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। अरे भाई हम शुरू करेंगे एक खास प्रोग्राम, यानी के भाजपा के तर्कस में कितने तीर, कौन सा है ब्रह्मस्त्र, एक तो हाथ में है और कौन से वो तीर जो दूसरी दूसरी पार्टी का कब्जा देवेंगे धर्मू भाई। चीर तो सबसे बड़ा मुद्दा तो धर्मू भाई, पहले तो राम 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 राम, इस पर कॉपीराइट। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो सबसे बड़ा जो ब्रह्मस्त्र की हम बात करें, तर्कस के तीरा की बात करें भारतीय जनता पार्टी में, एक तो यू है राम राम तो शुरुआत करे हैं और राम राम का कॉपीराइट सा ले गया जो भाजपा ने दावा करा है। भाजपा इस बात करमू भाई, केवल कॉपीराइट इस पर कोनी, और भी घनी चीजों के ऊपर कॉपीराइट दे रखा है। बिल्कुल, और फिलहाल जो है यानी के ये जो हमारा आत्मा है भाई, भगवत श्रीमद भगवत गीता, यानी के यू भी एक तरह से ब्रह्मस्त्र, इसके ऊपर भी कॉपीराइट किसका है, बीजेपी का है। ये भी एक ब्रह्मस्त्र, ध्यान से सुनते रहिए भाई, बहुत काम का विश्लेषण है यू धर्मू भाई कर मेरा। और आप देखते हो ये पर्चे, देखो ये मुद्दे हैं, ये तर्कस के तीर हैं, ये तर्कस के तीर हैं और ये मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्कस के, वह ब्रह्मस्त्र हैं। एक तो तर्कस में तीर होया करे हैं, बिल्कुल, और एक होया करे तर्कस में ब्रह्मस्त्र, अरे तर्कस में हरम बाले, हाँ ये ब्रह्मस्त्र हैं, ब्रह्मस्त्र। चलो शुरू करा भाई, हाँ डालवांगे, आप भी कमेंट करके बताते रहिए, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। एक दो चीज तो आई, श्रीमद भगवत गीता ली और राम राम वाला मुद्दा लिया। हाँ, एक ब्रह्मस्त्र है करमू भाई, एक बात हो रहा है जी, ठीक, जितने भी दर्शक मार्गेला लाइव जुड़ रहे हैं, मैं न्यू भी बता दे रहा हूँ भाई, तमने के लग गए जो से ब्रह्मस्त्र हमने बताए हैं और कौन से ब्रह्मस्त्र हैं जो हमारा ध्यान नहीं रहे। बिल्कुल, दूसरी बात न्यू है, न्यू कांग्रेस के तर्कस में कौन से ब्रह्मस्त्र हैं, अगला प्रोग्राम बिल्कुल वो भी भाई सुनो, बजाय गीता है कोर्ट में जब जाओ तो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये भी मुद्दा है मतलब बीजेपी पे इसका। और ये भाई पहला तीर, चलो भाई पहला तीर लिख दिया भाई, बताओ जी पहला उत्तर बोला जाए, पहला तीर खतरनाक भाई, ये वह ब्रह्मस्त्र है भारतीय जनता पार्टी के पास। और यहाँ में जो इलेक्शन चल रहे हैं, घमासान चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है, उसमें हिंदुत्व का ब्रह्मस्त्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये बहुत बड़ा मामला है। आप भी कमेंट करते रहे भाई, गले गले। बिल्कुल, और भाई राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि बहुत बड़ा ब्रह्मस्त्र का जो प्रयोग है, जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, उसका जो असर है वो अब तक बरकरार है, उसकी कसर गई नहीं है। और करमू भाई यू क्या लिखा, ये जिस तरह कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टिकरण की, हाँ बिल्कुल दावा करते हैं, हाँ भारतीय जनता पार्टी का दावा है, भाई बीजेपी जो है वो तो कर रही है हिंदुत्व की राजनीति और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, भाई मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, इसका असर हरियाणा की राजनीति में कितना पड़ेगा और यह ब्रह्मस्त्र कितना काम आएगा, दर्शकों जितने भी जुड़ रहे हो लाइव में कमेंट में जरूर कर दियो। ये 500 दम भरती है, 500 साल की लड़ाई हमने जीती है, बिल्कुल तीर काट लिया, काट ले कर दो भाई, इसने तीर दोबारा न्यूज होगा ना, ये आप चलो देखो ये तो दावा है ना भारतीय जनता पार्टी का, ई बाजो अगला तीर काट दिया, यू मुद्दा बोलो कितना बड़ा मुद्दा धर्मो भाई, परिवारवाद, देखो भारतीय जनता पार्टी चौड़ा में खुला मैंने बोल सके विपक्ष के ऊपर छाती ठोक की चोट पे नर्थ है, आंख मिला के नुकते भाई जाओ, दावा है बीमारी जो मतलब जो बीजेपी कह रही है बीमारी जो पार्टी है उसमें कितने परिवारवाद नहीं पा रहा, वर्किंग स्टाइल है। हाँ क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा उदाहरण है, सब तो पक्ष खड़े है व्यक्ति, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो, हरियाणा देख लो, एक साधारण किसान को एक सीएम बनाना मतलब बीजेपी का दावा भाई, और अगला एनालिसिस में कांग्रेस के भी हम तीर निकालेंगे, तर्कस में कितने तीर है, लेकिन सामने डिफाइन करना भाई उनके तीर में कितना दम है। फिलहाल जो है जिन ब्रह्मस्त्र के दम पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई देवे है, और सुनो धर्मू भाई हरियाणा में चुनाव है, परिवारवाद की बात, हरियाणा में बीजेपी छाती ठोक कर करेगी, मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो, मैं समझ गया कुमारी साहब जा, हाँ मतलब परिवार, देखो दो बात है, एक तो परिवारवाद, परिवार राजनीति, एक परिवार में फूट वो एक अलग विषय, वो एक अलग मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऊपर की केंद्रीय आप बात करें तो सोनिया राहुल और निचला जो कई सारी चीजें हैं जिनके उदाहरण जो है प्रदेश और देश की जनता देख चुकी है, इस मुद्दे की कीमत तुम क्या जानो धर्मू बाबू। आओ ले भाई अगला तर्कस का ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मस्त्र भाई बिना पर्ची खर्ची रोजगार देने का दावा करने का ब्रह्मस्त्र, दाने पर बैठने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको
ठोस आश्वासन देने का ब्रह्म स्तर। बिल्कुल। तो ये इस तरह की, और हिमाचल की जो सरकार है जिसमें कि कांग्रेस की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ब्रह्म स्तर है। भाई लाखों रोजगार देने की बात कह के कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन सिर्फ 1200 पक्की नौकरियां ही दे पाई हिमाचल के अंदर। तो यह भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मस्तर भारतीय जनता पार्टी के पास है। और कर्मू भाई इसके गिल्ला गिल्ला जी भाई, इसके गिल्ला गिल्ला भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर भक्ति रोग को गैंग करने का भी आरोप लगाने लग रही है। ये बार बार देखेंगे जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सैनी, नायब सिंह सैनी, उसके बार बार कहना होगा। और भाई भारतीय जनता पार्टी के पास ये बहुत बड़ा ब्रह्मस्तर है। भाई गरीब से गरीब, रिक्शा रेहड़ी वाला, गोलगप्पे वाले के जो बालक हैं उनको भी अफसर बनाने का दावा करने का ब्रह्मस्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो हरियाणा की राजनीति में काफी मजबूत ब्रह्मस्तर है। आज इन ब्रह्मस्तर का तोड़ कहा निकला एंटीवायरस, बिल्कुल कांग्रेस पे कितना वो देखना पड़ेगा। तीन मुद्दे आगे भाई, ये तो कड़ा ठंडा। एक और दो तीर है, बहुत बड़ा तीर है यूं तीर, और तीर एक स्लोगन नहीं था, बोला दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर की बात करो या पाकिस्तान की बात करो, यानी कि पाकिस्तान चू भी नहीं कर पा रहा धर्मू भाई। हाँ, पाकिस्तान किधर भुक्की दे रहा, परमाणु बम की धमकी दे रहा, आतंकवादी लकड़ी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके गिले गिले करमू भाई, बांग्लादेश में जब स्थिति खराब हुई तो उसका जो वह थे उन्हें शरण भी तो कित ली, भारत की शरण ली, और वो भी इसलिए ले पाते क्योंकि नौ बेला पट गया, मजबूत सिस्टम हो रहा है। पाकिस्तान चू भी नहीं कर पा रहा, और भाई पाकिस्तान के गले युद्ध भी लड़ने की जरूरत पड़ी भारत ने, और नंगड़ बना दिया पाकिस्तान। क्या देखते लोग भी कौन सा गाना गावे, नंगड़ा का प्यादी तो पहले तो यू गाना चलिया करता भारत में, तो पाकिस्तान में चला। आप देखो ये मुद्दे में है भाई जिनका तोड़ चोना है कांग्रेस ने, ये एक और मुद्दा पाकिस्तान चू भी नहीं कर पा रहा। पहले बहुत उछड़ा करता, आजकल पाकिस्तान का ऐसा लागत मुंह सीम रखा है, जो कर मैंने पर्ची पोची नहीं लगा पाकिस्तान बोझ के गिर गया, तो बोझ दिया इसका। बिल्कुल। चलो भाई ये फिर तक से एक और ब्रह्मस्त्र निकालते हैं, और जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं वह भी कमेंट कर बता दे भाई, कदे कौन सा ब्रह्मस्त्र था हमने बेरा और हमने ना बेरा हो। तो धर्मू भाई हाँ बताया दे दर्शक ना, अगला एनालाइज हमारा कांग्रेस के तर्कस में के तीरे के ब्रह्मस्त्र वो आऊगा, लेकिन उससे पहले जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तर्कस में कितने तीर वो हम बताने लगे। तो यो तीर हो गया करमू भाई, सत्ता में है वो अगला मुद्दे में। जी तो जांच एजेंसियों के जो जांच एजेंसी है उनके ऊपर होल्ड, यानी कि उनसे कैसे काम करवाना है, कौन सा विपक्ष का कोई दिग्गज चेहरा है उसका टेटुआ चुकरदा बना है, टेक्निकल तरीका है किस ढंग से काम करना, जांच एजेंसियों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए कैसे प्रयोग करना है, ये बहुत ही मजबूत ब्रह्मस्त्र। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, बोले दीदी ईडी, और सुनो ईडी की बात आओगी तो हरियाणा में भी ईडी ने दस्तक दे दी, बिल्कुल परिवार पर रेड पड़ी है। हुड्डा के नेताओं पे भी बात करा तो पवार साहब के ऊपर भी रेड पड़ी, बिल्कुल, और भी कई सारे नेता हैं जो राव दान सिंह की बात करा, बिल्कुल, यानी कि एक ये भी बहुत बड़ा ब्रह्मस्त्र बीजेपी के पास है जिसका तोड़ क्या पता है नहीं कांग्रेस के पास। चलो जी अगला मुद्दा, अगला तीर है भाजपा के जो तर्कस में, देखो अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर क्या चल रहा है धर्मू भाई, मोदी अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर, क्योंकि भारत के जो रहने वाले विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके दिल में दिमाग में चीज आने लगी, जब भी जाओ उनकी कदर होने लगी, नुकसान लगे, ये उस देश के आदमी है जिस देश का प्रधानमंत्री मोदी है, रिस्पेक्ट मिल रही है उनको, बिल्कुल। और देखो कितनी बड़ा पंचायती मोदी बन चुका है, दावा कर रही है बीजेपी इस बात का, यूक्रेन और रूस का युद्ध वो रोकने का बिचौलिया भी कौन बना, प्रधानमंत्री मोदी भाई, दो गांव की लड़ाई थमानी औखी हो जी है, दो देश की लड़ाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये काम किया है वाकई में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाकर है, और दो देशों का उसमें फैसला करवाना, पंचायती बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात। देखो एक चीज हो रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उस टाइम पे पाकिस्तान से पूछे थे एकदम, हाँ, लेकिन वो एक नीति का पार्ट था, जोर का झटका है जोरों से लगा, हालांकि ये विदा भाई हम प्यार भी रखना चाहना, लेकिन मार्केट दुश्मनी बंद हो तो मारता पटा दुश्मन भी कोई तकरार भी कर, तो ये चीज थी। और भाई डिसीजन पावर प्रधानमंत्री मोदी की एक रुका है जाना छाने की जुबान पर, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिसीजन पावर है ना धर्मू भाई, वो जबरदस्त वाली है, ले लिया नहीं तो ले लिया नुका कर, फिर तो भाई हो बहनो मेरे प्यारे देशवासियों,
आज रात 8 बजे फैसला थोप दिया। बिल्कुल, यानी कि स्टडी करके फैसला करे जावे हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, जब मैं कोई कमिटमेंट कर देता तो फिर मैं खुद की भी नहीं मानता, खुद की भी नहीं सुनता। तो प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया वो डिसीजन पावर का पार्ट है। ये एक मुद्दा, इसका तोड़ क्या कांग्रेस को देखना है। एक और ब्रह्मस्त्र जी, एक और जो है भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में सबसे ठाडा और सबसे मजबूत ब्रह्मस्त्र है सांगठनिक ताकत। ताकत, अरे भाई इसका जो है ना पूरा के भाई रहा यू देखिए, मतलब इसमें कम है फूट, मतलब जिस तरह तुलनात्मक नहीं नहीं बिल्कुल। एक बात हो रहा है कर्मो भाई, जो ये संगठनिक ताकत की अगर मैं बात करूं तो भाजपा का दावा है कि देश का सबसे बड़ा संगठन है, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसके पास सांगठनिक जो संरचना हाँ, है हाँ। यानी कि भाई जैसे एक कारपोरेट घराना होया करे, उसकी एक स्ट्रक्चर बेस कंपनी होया करे नी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हर पद की इतने इतने पद है कर्म भाई, पन्ना प्रमुख पन्ने मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ हाँ, प्रकोष्ठ युवा मोर्चा फलाना दिखड़ा मुकड़ा, और मोर्चा तो इसे बना रखे बॉर्डर पर मोर्चे से मार रखे हैं कर्मो भाई। संगठनिक ताकत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो कैडर है जिस कैडर की तुलना शायद ही किसी देश के संगठन के साथ करी जा सके। उसका प्रचुर प्रयोग जो है वो हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें संगठनिक ताकत देखने को मिलेगी। वो अलग बात है, देखो वोट मांगने वाले अलग हैं, जो अंदर चेहरे अलग हैं, जो जो नहीं दिखते वो बहुत लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बात नहीं करूं भाई, इतना बिल्कुल, यानी कि ना दिखने वाली सांगठनिक पावर है इनके पास, जो कि हर घर का लेखा जोखा रखा है, उन्होंने भी बेरा है कौन से परिवार में कितने मेंबर है, कौन पढ़ रहा है, कौन अनपढ़ है, कितनी तनख्वाह, के मामला है। धर्मू भाई तो मुद्दा मतलब मुद्दा लिख गया हाँ, जो करिए ना दिखने वाले जो संगठन के लोग है नहीं, बिल्कुल ना दिखने वाले वोट भी बहुत है बीजेपी में, बिल्कुल साइलेंट वोट, साइलेंट वोट वो भी एक बीजेपी। चलो भाई तर्कस का एक मुद्दा है, देखो जब आप कोई भी कहते हैं भाई जुबान घोड़े पे बिठा दे, जुबान गधे पे बिठा दे, तो जुबान यानी कि शब्दकोश, आपकी वाक शैली, आपकी वाक चातुर्य, वाक कटुता, वाक अक्षमता, वाक बल कितना तगड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी संघ से निकली हुई चीज है, बिल्कुल, और संघ के गलियारों से जब नेता को निकलता है या फिर संघ की छत्र छाया पार्टी पर होती है तो शब्दकोश बहुत भयंकर हो जाता है, और शब्द ही दिमाग को विचार को बदलता है, और विचार पर दिल में आता है, पर व्यवहार में आता है, और पार्टी की वोट बढ़ाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, भाई इसका भी तोड़ कांग्रेस ने तोड़ा है। लो भाई एक और तर्कस का तीर निकालते हैं, दावा बीजेपी का भाई, मारा दावा नहीं है बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का एक और मजबूत दावा, केंद्रीय नेतृत्व बहुत बड़ी बात है। जिस पार्टी के पास केंद्रीय कैडर होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वह पार्टी सब तक ठाडी मानी जावे। आज की डेट में यदि हम बात करा तो भाई केंद्रीय नेतृत्व यानी के ऊपर के सरगना, यानी के ऊपर के आला कमान, ऊपर की आई कमान, सरगना तो धर्मू भाई है बोलेंगे यानी के आला कमान की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह के है कर्मू भाई, आई कमान हो रही है, आई कमान इसे है। देखो क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आई कमान उस तरह की है जिसने जो फैसला दे दिया तो दे दिया, उसका विरोध जो है वो दबे स्वर में हुआ है। देखो तुलना करोगे ना, कांग्रेस के पास केंद्रीय नेतृत्व का अभाव है। यदि हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा का यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें धर्मू भाई, बिल्कुल तो हरियाणा में यदि सोनिया गांधी आ जाए कितना प्रभाव छोड़ देगी, ठीक बात, यदि राहुल गांधी आएंगे कितना प्रभाव छोड़ देंगे, बिल्कुल, मतलब तुलना देखो ना एक, तो यू है केंद्रीय नेतृत्व और उनके पास इतने दिग्गज है भाजपा पे, तो इसका तोड़ भी कांग्रेस एक बात तोड़ा कर्मू भाई। केंद्रीय नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक प्रखर वक्ता हैं, वक्ता ऐसे पढ़े लिखे प्रखर प्रवक्ता हैं, हिंदुत्व के ऊपर इतनी गजब की बात कर देंगे तो तोड़ नहीं पाता, तो तोड़ तोड़ा है कांग्रेस ने, ये भी कांग्रेस ने इसका निचोड़ और तोड़ तोड़ना पड़ेगा। और अगला एनालाइज हमारा मतलब इसके बाद आड़ा तो वो हमारा कांग्रेस के तर्कस में के तीर है के ब्रह्मस्त्र बहुत जल्दा हुआ, उसको भी इसी प्रकार देखना भाई। अच्छा एक चीज होती है भाई, देखो नुका रहा है भाई बाप जिंदा हो जिसका तो बालका पे बालक हौसला मरा है, हौसला मरा, और जिसका बाप नहीं हो नी, बिना बाप की औलाद की कदर नहीं हार दी, बिल्कुल, तो केंद्र में बाप बैठा, यानी कि हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा में भी भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, तो यानी कि उसकी जो कनेक्टिविटी है, लोगों की उम्मीदें हैं, मतदाताओं की उम्मीदें हैं, अभी केंद्र और मतलब हरियाणा सरकार लावारिस होनी, उसका ऊपर तक करता धरता है, तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो केंद्र में सरकार होने का भी बीजेपी को एक के लिए एक तर्कस में तीर और ब्रह्मस्त्र जैसा, इसका इलाज किया है कांग्रेस पे,
इसका भी इलाज करना था। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात करना तो बहुत प्रयास करे, उसके बावजूद भी सारे के चक्कर में भी तीन बार की ट्रम्प के बाद बिल्कुल एक और कर्मू भाई जमा चाला पाटा चला पाटा। ये कैसा चाला पाटा जी, यू तीर भी बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी पावर है गठबंधन करने की अक्षमता वाली पावर, और जो सहयोगी दल है उनके ऊपर आवी होने की पावर, आवी हो जाती है और उनको डिसिप्लिन की गोली तक बना दे हैं, यानी कि आगे किसे काम का नहीं छोड़ दे। ये ताजा उदाहरण है हरियाणा की राजनीति में जेजेपी, जेजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था उस गठबंधन का खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ा, और यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कस का ये बहुत बड़ा मजबूत ब्रह्मास्त्र है जिसका जो है भाई बहुत मजबूत चीज है कर्मू भाई। कट कॉपी पेस्ट की माहिर भी है भाजपा, बिल्कुल तिकड़मबाजी की भी माहिर है भाजपा, बिल्कुल जी। तो इसका तोड़ भी ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस को। देखो इसे तो जुड़ी हुई बात आ गई, लिस्ट जारी करी धर्मू भाई, कांग्रेस ने सिर्फ एक तो बाद में करी पहली बात तो 32 अनाउंस करे 32 और बीजेपी ने 67 कॉन्फिडेंस देखो भारतीय अपना मजबूत कॉन्फिडेंस अपर लेवल का है, उन्होंने 67 सीटों पर तुरंत कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, होगा जो होगा देखी जाओगी, लेकिन कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। 67 सीटों पे कैंडिडेट जारी करने की सूची जारी करने का मतलब है उनके अंदर आत्मविश्वास है और उनको ये पता है भी हम कहीं ना कहीं इतना मजबूत है, हमारे पास इतने सारे तर्कस में तीर हैं भाई, इस आत्मविश्वास को खत्म करने का इलाज कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद अगला ब्रह्मास्त्र जी धर्मू भाई, अगला ब्रह्मास्त्र है प्रवक्ता होंगी यदि हम बात करें प्रखर प्रवक्ता क्यों है इनके पास, क्योंकि संघ के गलियारों से निकले हुए अधिकतर इनके कार्यकर्ता और नेता होते हैं जिनके पास बहुत भारे भरकम शब्दकोश है और बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जबरदस्त है, जिसके कारण जो जनता है या मतदाता है उनको अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है आकर्षित करने वो जबरदस्त है, जिसका तोड़ जो है वो कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। कई बार कहा रहा विकास विकास, भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, विकास तक के चलेगा एक मुद्दा बीजेपी का, अच्छा विकसित भारत, अभी तक कांग्रेस जब कांग्रेस ने इतने साल राज कराया विकसित भारत का नारा भी नहीं दे पाई थी कांग्रेस, और इस मुद्दे का इलाज भी कांग्रेस को ढूंढना है। विकसित भारत का जो मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे जो कुछ आने लग रही है भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है विकसित भारत हम बनाने जा रहे हैं, तो इसका भी तोड़ कांग्रेस को ढूंढना है। कर्मू भाई यू तो ऐसा नारा दे दिया, इस तक के कोई कुछ बचाई को नहीं बुलाकर राम जाकर इस तक ना बहुत ही सबसे मजबूत जो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ जो है कांग्रेस शायद ही ढूंढ पाए, वो है आईटी सेल, बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज से नहीं तो 2014 तक कर दी थी तैयारी में, बिल्कुल आईटी इतनी जबरदस्त है कि इनके ऊपर यदि कोई मुद्दा आवे है, कोई इनके खिलाफत यदि कोई चीज चलती है उसको भी पॉजिटिव करने के माहिर है इनकी जो आईटी सेल है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करे। ये आईटी सेल थी जो 2014 में मोदी को लेके आई थी, जिसकी नुकसान कांग्रेस को इसका भी इलाज तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल अब आईटी सेल का भी तोड़ ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस को। देखो क्या होता है हर पार्टी के ऊपर नजर होती है मतदाताओं की, भाई कितने चेहरे इसमें दागी है, कितने इसमें बागी है, कितने खराबी है, कितने खराबी है, कितने शराबी है, तो दागी खराबी शराबी तो कहने का मतलब बीजेपी तुलनात्मक इस बात का ध्यान रखती है दागी चेहरों से बचाव रख के, और यदि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर कटाक्ष आओगा तो ईंट का जवाब पत्थर दे देती है भारतीय जनता पार्टी। एक बात और है ना, ये न्यू भी तो करवा दिया, बोलो भारत माता की जय, ये वाली बात पवित्र करने में बिल्कुल बिल्कुल उसको गंगा स्नान करा देते हैं भाई, और विपक्ष के ऊपर हमला कर रहा है बीजेपी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत सारे केस आपने देखा है, सही बात, ये मुद्दे का तोड़ क्या है कांग्रेस को वो भी ढूंढना भाई। इससे अगला ब्रह्मास्त्र, इससे अगला ब्रह्मास्त्र है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक और बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अब जब दूध खराब हो जाए तो उसका पनीर बना ले पनीर, पहली बात तो दूध ने खराब नहीं होने देंगे, खराबे को नहीं होने देंगे, और जब खराब भी हो जाए यानी कि इनके खिलाफ कोई भी बिगुल बजे है, यानी कि हरियाणा की राजनीति में उकार भरी थी किसानों ने, और भाई जो किसान आंदोलन चलिया तो उसको भी इन्होंने मतलब उसको इस ढंग से मोल्ड कर दिया, उसको पनीर बना लिया, देखो यानी कि जाट नॉन जाट की राजनीति का बिल्कुल सा भीतर खाते बजाय का है, बिल्कुल इस टाइम जो पोजीशन है इस खराब दूध को पनीर बनाने की अक्षमता को देखते हुए कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कुछ तो जो किसान नेता दिन वो भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ लग रहे हैं, बिल्कुल ये देखो बीजेपी ने कहा इसका तौर भी जो है इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो काफी
अलग अंदाज की। कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है धर्मो भाई, तो उसकी विदेश नीति के ऊपर नजर रहती है। जो सिंसियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको पता है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको विदेश नीति बहुत अच्छी लगती है। कोई भी पार्टी जब विदेश नीति अच्छी चलाती है तो बिल्कुल। तो सबसे बड़ा उदाहरण है, पूर्व नौसैनिक थे जो कतर के अंदर, कतर में उन जासूसी के आरोप में फंस गए थे। यदि मोदी और उनकी विदेश नीति मजबूत ना होती तो वो जिंदा वापस नहीं आते, बिल्कुल उनको फांसी पर लटका दिया जाता वहां। तो इसी चीज जो विदेश नीति और बहुत से उदाहरण वैसे, लेकिन लंबी वीडियो, कई देशों में जैसे खराब पोजीशन हुई थी, भारतीय जो फंस गए थे उनको निकालने की ऑप्शन, हाँ बिल्कुल वो बड़ी है भारत की। युद्ध के टाइम पे भी आपने देखा यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, जिसका जो असर है वो हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में प्रचुर मात्रा में देखने को मिल सकता है। कोरोना टाइम में भी भारतीयों को बाहर से निकाल के, चीन से निकाल के, मतलब उनको सुरक्षित वापस लाना। तो इस मुद्दे का भी तोड़ कांग्रेस को ढूंढना है, ढूंढना पड़ेगा। इससे अगला प्रमुख, समय कम है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम, धारा 370। बिल्कुल, ये धारा 370 ऐसा मामला, यानी कि इसका जो आर्टिकल ए है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, और जैसे अमित शाह जो गृह मंत्री थे उस समय में, और सदन से जब भाषण दिया था, उन्होंने कहा था, ब्लैक कहते थे खून खराबा हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भाई धारा 370 का आर्टिकल ए भी हटाए गए और कितने खून की नदियां भी नहीं बह पाई। यो धारा 370 करमो भाई, इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल बिल्कुल, लोग भूखे मरते हैं भी। हाँ। क्योंकि राष्ट्र की बात आएगी इसमें, देश की बात आएगी, बिल्कुल देश हित की बात आएगी, क्योंकि जो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वो जिसको नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो इंटरफेयर की बात करेंगे तो धारा 370 जैसा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सिंपैथी जीतने का काम किया है। अरे एक और बात है, धारा 370 टूटने का कनेक्शन हरियाणा से चुक रहा है, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, उसका छोरा अभी कश्मीर में हो गया। अब बेटे ये देखो, धारा 370 देखो, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है वो मतदाताओं को अच्छी लगती है भैया, तो सिर्फ ही नहीं कॉपीराइट भाजपा। हाँ, राष्ट्रवाद की बात करने का, और दूसरी बात, बहुत सारे अलायंस जब कांग्रेस करती है तो ऐसी पार्टियां दब कर ले जिन पर राष्ट्र बीजेपी नुकब है। बीजेपी का दावा है भाई, कांग्रेस तो है गठबंधन करती है अपने को, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा, बिल्कुल इनके पास। और एक राइट है, एक चीज और, धर्म राष्ट्रवाद का मतलब हो गया घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, फिर घर घर मोदी, कितनी सारे नारे इतने ले राष्ट्रवाद के। और यदि आजकल आप देखो फिल्म भी आने लग रही, वो भी राष्ट्रवाद पाने लग रही है, बिल्कुल। फिर क्रांतिकारियों की जीवनियों को, क्रांतिकारियों के इतिहास को कुरेद करके, केरल फाइल की बात लिया करके, हाँ केरल फाइल देख लो आप, अच्छा कश्मीर फाइल देख लो फाइल की, तो ये सारी चीजें आप देखोगे ना, तो अपने आप राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रवाद का मतलब है बीजेपी, हाँ इसका भी तोड़ कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। इससे अगला ब्रह्मास्त्र देख लिया, एक मुद्दा तो युद्ध हमने देख लिया, और एक और मुद्दा है भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास वो टैलेंट है, वो क्वालिटी है, जहां मुस्लिम गैर मुस्लिम करके अगर उसमें सत्ता माना है वो क्वालिटी भी है। हालांकि सीधी सी बात है, हिंदुत्व को राजनीति कर रहे उसमें कहने की जरूरत को नहीं, लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जो सीधे कोथली बैठे गए या फिर नए सैनिक की धमाकेदार एंट्री करी गई और ओबीसी का कार्ड खेला गया, या फिर ब्रह्म वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए जो क्या नाम मोहन लाल बड़ोली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इस तरह की स्ट्रेटेजी, जातीय गणित को कैच करना और जातीय ब्रह्मास्त्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। बिल्कुल धर्मो भाई, और कई बार ये देखो जाट नॉन जाट का नारा देखोगे तो बीजेपी की खुलेआम नहीं, इंटरनल ये दिन देखोगे तो बीजेपी की ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का इशारा होगा, जिसका तोड़ को नहीं, मतलब कांग्रेस को ढूंढना है, हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं नहीं कांग्रेस को ढूंढना है भाई। अब क्या है, एक ट्वीट आया था शामी भाई, अगर राहुल गांधी SC वर्ग के हक की बात करते हैं तो क्यों नहीं कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर हरियाणा प्रस्तुत करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ट्वीट भी जो है कांग्रेस के लिए आज तक उसका कोई जवाब जो है कांग्रेस से नहीं बन पाया है। और कुमारी शैलजा के साथ वो हालात ना हो जाए जो अशोक तंवर के साथ हुई है, कुलदीप बिश्नोई के साथ हुई है, या फिर कौन सी वो किरण चौधरी के साथ हुई है, तो इस तरह की बात का दावा भी करती है बीजेपी। बहुत सारी बातें भाई, ये मुद्दे रहे मेन मेन मुद्दे करके बता दिए, बताती अब कांग्रेस को ढूंढना इनका तोड़। और अगला प्रोग्राम जो है वो हमने देखने मिलेगा भी, कांग्रेस के जो तर्कस में कितने ब्रह्मास्त्र कौन से हैं। और एक चीज और धर्मो भाई, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के, देखो विसर्जन कर दो, जमा सूत नहीं आती नहीं भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में,
तो आपने देखने में लगा खूब जगह नारे लगते दिखेंगे जाट एकता जिंदाबाद, ये नारे भी लगते हुए। एक मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, था एग्जाम 30 सीट मिली है, फिर भी सरकार बनावांगे। 30 में तो घनी कही जाए, 20 में क्योंकि मणिपुर में तो वही आए थे, तो वो चलो। तो भाई आज का जो एनालिसिस है तुम्हें किसे लग गया, और जो ब्रह्मास्त्र जो थे या तर्कस के तीर हैं मत हमने किसे लग गया, कोई छुट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दियो ताकि अगला प्रोग्राम में मैं ले सका। और अगला एनालिसिस होगा हमारा कांग्रेस के खेमे में तर्कस में कितने तीर हैं, कितने ब्रह्मास्त्र, कितने टॉप है, कितने घोड़े हैं। हाँ, और आपने तो लग गए उनका तर्कस में तीर, भी तो कमेंट करके लिखो ताकि उनको हम क्वेश्चन में भी शामिल, क्वेश्चन में नहीं भाई कर्मो भाई, उनके नाम भी शामिल करेंगे और उनका कमेंट भी शामिल करेंगे, नाम और कमेंट शामिल करेंगे भाई। प्रिंट आउट काट के दिखावांगे इस भाई ने यू कमेंट करा था भाई। हाँ। बढ़िया बढ़िया सूत्र सूत्र कमेंट कर दियो तो ठीक है भाई, चलना बिल्कुल सांसठ गए जमा और मुद्दे बटले कर लिया। चलो भाई ठीक है, जितने भी दर्शक है तुमने किसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और कर दो वीडियो ने शेयर शेयर का कर दो पतूर, ताकि हरियाणा प्रदेश का विकास हो उसका जरूर जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और मैं हूं भाई कर्मू।